तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ASUS का Zenfone मैक्स प्रो M1 और देखेंगे कैसे हैं इसके बॉक्स कंटेंट, क्या क्या देखने को मिलता है, कैसा है ये पूरा फ़ोन, ओवरव्यू क्या है इसका और आपके लिए छुपा एक छोटा सा सरप्राइज इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूँ, मैं वारन सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, आइए शुरू करें। सबसे पहले जो बॉक्स निकल के आता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने की तरफ आपको ASUS Max Pro M1 लिखा मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कोई लोगो बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 4G वोल्टी, मतलब 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। साइड में आपको वी फोटो मिल जाएगा, ब्लू और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। पीछे की साइड आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं 5000 mAh बैटरी है, 6 इंच की स्क्रीन है, 14 नैनोमीटर का मतलब प्रोसेसर है और ये 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है। और साइड में भी आपको वी फोटो मिलेगा, नीचे की साइड इसकी प्राइस बताई गई है जो की है 13,000 रुपीज। और उसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है इतना खास, तो आइए जल्दी से इसे कर लेते हैं ओपन। दोस्तों, सामने की तरफ हमारे सामने ऐसे निकल के आता है जिस पे लिखा हुआ है वी फोटो और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इसे निकाल के रखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का कुछ हमें पेपर वर्क इसके अंदर मिल सकता है, जैसे कि मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसे ओपन किया तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है, ये कुछ पेपर वर्क, कुछ गाइड है, एक वारंटी कार्ड है और इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये एक स्लिप टाइप की मिलती है, रख देते हैं साइड में। और कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है सिम इंजेक्टर टूल, तो ये कुछ हमें इससे मिलता है, स्टार्टिंग से रखते हैं एक बार साइड में। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो सामने की तरफ हमारा रखा हुआ है ASUS Zenfone Max Pro M1, इसे भी एक बार रख देते हैं साइड में। और इसके बाद देखते हैं कि हमें नीचे की तरफ बॉक्स कंटेंट क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है ये एक फास्ट चार्जर, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ASUS की ब्रांडिंग है, काफ़ी छोटा सा चार्जर है आप देख सकते हैं, इसे रख देते हैं एक बार साइड में। और कुछ यहाँ मिल जाएंगी हमें, एक टाइप सी वाली केबल नहीं है, ये एक नॉर्मल USB केबल है जो चार्जिंग और डाटा सिंकिंग के लिए काम आएगी। और इसके अलावा हमें मिलता है कुछ अलग सा जो कि आपको सभी फ़ोनों में नहीं मिलेगा, ये एक एम्पलीफायर टाइप का आप कह सकते हो, इस पर आप अगर आप गाने सुनना पसंद करते हो अपने फ़ोन पर तो आप इस तरह अपना ASUS का फ़ोन इस पर रखेंगे। नीचे एक साइड आपको स्पीकर मिलेगा तो आप इस तरह रखेंगे तो आपकी जो आवाज़ है थोड़ी सी तेज़ होकर यहाँ से निकलेगी, तो इस तरह कुछ ऑडियो एम्पलीफायर करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर ये मिल जाएगा, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और इसके अलावा ये हमें चीज़ें मिलती हैं बॉक्स कंटेंट में, हमें ईयरफोन नहीं मिलते हैं, अब ज़्यादातर ईयरफोन नहीं दिए जाते हैं फ़ोनों के साथ, तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है बॉक्स कंटेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फ़ोन को पूरी तरीके से ओपन करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। इसमें एंड्रॉयड का ओरियो आपको मिलेगा 8.1, 6 इंच की आपको इसमें स्क्रीन मिल जाएगी। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो है IPS। इसमें रियर में आपको डुअल कैमरा मिलेगा 13+5 और फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा 8 MP विद LED फ्लैश आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो चिपसेट काम में लिया गया वो है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 636, 8 कोर का CPU है, इसका जो GPU है वो है कॉलकॉम का Adreno 509। ये 3 वेरिएंट में आता है, मतलब रैम के इसमें 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, 3GB, 4GB और 6GB। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 3GB और 32GB इंटरनल वाला। और इसमें जो इंटरनल स्टोरेज में 2 वेरिएंट आते हैं 32GB, 64GB। SD कार्ड लगा के आप इसमें मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं इसकी स्टोरेज को। फिंगरप्रिंट आपको रियर में देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, रिमूवल नहीं है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा, डुअल सिम सपोर्ट करता है, सिम टाइप है नैनो। इसका जो सिम स्लॉट है वो हाइब्रिड नहीं है, मतलब आप 2 सिम लगा सकते हैं, उसके साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल की बात है। और इसमें आपको NFC नहीं मिलेगा, USB टाइप सी के साथ नहीं आता है ये। और इसकी जो प्राइस है, वो जो मेरे वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो है 13,000 रुपीज़। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें हम लोग कैसा फ़ोन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो कवर मिलता है इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं एक बार। तो कवर हटाने के बाद हमारे सामने निकल आया है ASUS का Zenfone Max Pro M1। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख सकते हैं, पीछे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, इसमें आपको LED फ्लैश मिलेगा, सामने की तरफ 8 MP का कैमरा है,
नीचे की साइड अब आपको चार्जिंग कोर्ड मिल जाएगा, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा और माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको इसमें सिम ट्रे देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। तो दोस्तों देखते हैं ये है सिम ट्रे और इसमें हम लोग इसे करते हैं इंसर्ट और जो है निकल आई। इसमें मैंने पहले से अपना एक SD कार्ड डाल रखा है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ और ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको दो सिम लगाने की जगह और मिलेगी और एक SD कार्ड आप लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन, देखते हैं अंदर से ये कैसा है, क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। जल्दी से बूटअप कर लेते हैं इसको और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ASUS लिख के आ चुका है और मतलब काफ़ी कमाल फ़ोन मतलब ASUS ने लॉन्च किया है स्नैपड्रैगन 636 के साथ काफ़ी कमाल प्राइस में, और बैटरी लाइफ अगर आपको चाहिए तो वो भी काफ़ी कमाल दी है ASUS ने। 5000 mAh की बैटरी है इसमें और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हमें इसे करना है सेटअप। तो दोस्तों आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको सेटअप। तो यहाँ पे हम लोग अपना सबसे सिक्योर पिन रख देते हैं 1 2 3 4 5 और से कर देते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 5 और इसके बाद हमें ये पे पूछेगा कि हमें ये सब वहाँ ठीक 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 और यहाँ पे आता है फेस रिकग्निशन और सेटअप जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड का भी आप मज़ा ले सकते हैं, मतलब कमाल का है लुक, आप देख सकते हैं जो भी निकल के आ रहा है और ऊपर साइड मतलब पूरी तरीके से स्टॉक एंड्रॉयड है। ये हो गया ब्राइटनेस का ऑप्शन और अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा 8.1.0 और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ अपडेट भी है, तो कि मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं किया तो आपको नहीं देखने को मिल सकता है। और अभी मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दिखा दूंगा, पहले हम लोग देखते हैं इसका फेस अनलॉक कैसे काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फेस अनलॉक बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्लो है पर काम कर रहा है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ओ पिन भी डाल सकते हैं अगर चाहे तो आप, ऑप्शन यहाँ पे स्वाइप अप किए और यहाँ पे आपको अपने पिन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है, फिंगरप्रिंट का भी देखने को मिलता है, तो आइए एक बार फिंगरप्रिंट भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना फिंगरप्रिंट और देखते हैं ये, हाँ ये देखिए अब ठीक है, मतलब जो स्पीड है वो काफ़ी सही है, लगाया और तुरंत खुल के देखिए मतलब काफ़ी फास्ट वर्क करता है इसका फिंगरप्रिंट भी। दोस्तों कुल मिला कहा जाए तो फ़ोन काफ़ी सही है, एंड्रॉयड ऑडियो मिल जाएगी, 3 GB की रैम है, 32 GB इंटरनल है, कैमरा सैंपल आपको वीडियो के आखिर में देखने को मिल जाएंगे और एक छोटा सा सरप्राइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कर रहा हूं इस फ़ोन का गिव अवे। तो दोस्तों ये फ़ोन मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दोस्तों जी हाँ मैं इस फ़ोन का कर रहा हूँ गिव अवे, आप ही में से किसी एक को मिल जाएगा ASUS का Zenfone Max Pro M1। बस रिक्वायरमेंट्स क्या है इस गिव अवे की, वो ये है कि इस व्यू पे टोटल होनी चाहिए 30,000 व्यूज़ आनी चाहिए, करीबन 15,000 लाइक आने चाहिए और जो कमेंट होने चाहिए वो करीबन 10,000 के करीबन होने चाहिए। अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो हम लोग करेंगे इस फ़ोन का गिव अवे और आप ही में से कोई लकी होगा जो जीत जाएगा ये फ़ोन। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग ASUS Zenfone Max Pro M1 की और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये फ़ोन इतने प्राइस में काफ़ी सही आपको मतलब स्पेसिफिकेशन देता है, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलती है। अगर आप देखें पीछे आते उसकी ब्रांडिंग है तो काफ़ी मतलब इसमें 5000 mAh बैटरी है, तो ये ज़्यादा ना हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलती है और आपको डुअल कैमरा सेटअप भी आपको बैक में देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ASUS ने काफ़ी बढ़िया काम किया इस प्राइस में, मतलब आपको काफ़ी सही फ़ोन ला के दिया है स्नैपड्रैगन 636 के साथ। तो मैं तो इस फ़ोन से बहुत खुश हूँ। अगर आप कोई आप नया फ़ोन देखना चाह रहे थे, अगर आप कोई नया फ़ोन लेना चाह रहे थे तो अगर आपका यही बजट है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, मैं इतने प्राइस में कहूँगा ये फ़ोन बेस्ट है। अगर आपको मेरी आज की अनबॉक्सिंग पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आपके लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, तो अपना ख्याल रखिएगा। Just get.